प्रयागराज से ही अगली खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आपको बताएं, रमित शर्मा ने अभी तक पुलिस कमिश्नर पद को ग्रहण नहीं किया है। यूपी सरकार ने 3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया था। आज शाम तक पुलिस कमिश्नर पर तस्वीर साफ हो जानी है। रमित शर्मा केंद्रीय सेवा में जाएंगे या फिर प्रयागराज, ये अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो प्रयागराज के लिए 3 दिन का ये पहले फैसला जो सामने आया, उस पर अभी भी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट ली नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा, रमित शर्मा कमिश्नर पद पर पदभार ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे में आगे क्या होता है, क्या आज शाम तक वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं या फिर नहीं, ये तमाम चीजें अभी भी सवालों के घेरे में हैं। और इसे लेकर के किस तरीके की सुगबुगाहट है, किस तरीके की अंदरूनी जानकारी है, समझते हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से। मोइन, कहां कंफ्यूजन आ रही है और कब तक ये साफ हो जाएगा कि वो पदभार ग्रहण करेंगे या फिर कोई और फैसला होगा? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, योगी कैबिनेट ने 25 नवंबर को बैठक की थी, जिसमें प्रयागराज समेत 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद 27 नवंबर की रात को रमित शर्मा के नाम का ऐलान किया गया था कि वो प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। आईजी रैंक के ऑफिसर हैं रमित शर्मा, पहले भी प्रयागराज में आईजी के पद पर रह चुके हैं, लेकिन 3 दिनों का वक्त बीत चुका है और रमित शर्मा ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इस बीच रात को एक सूची आती है केंद्र सरकार की तरफ, जिसमें देश भर से जो आईपीएस ऑफिसर्स केंद्रीय सेवाओं के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें रमित शर्मा का भी नाम है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रमित शर्मा अब केंद्रीय सेवा में जाएंगे या प्रयागराज आकर यहां के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेकिन 3 दिनों का वक्त हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन 3 दिनों के बाद प्रयागराज आना तक नहीं, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। प्रयागराज के कई लोगों ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी छुट्टी पर हूं और छुट्टी के बाद आकर ज्वाइन करूंगा। लेकिन रात में जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो केंद्रीय सेवाओं के लिए लिस्ट जारी की गई, उसमें इनका नाम भी इंपैनल्ड किया गया है, तो आप देखने वाली बात यह होगी कि वो प्रयागराज आते हैं, यहां के पुलिस कमिश्नर के तौर पर ज्वाइन करते हैं या फिर केंद्रीय सेवा में जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर जो सस्पेंस था, वो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि रमित शर्मा आएंगे या फिर उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद यह है कि आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और अगर रमित शर्मा प्रयागराज नहीं आते हैं, वो केंद्रीय सेवा में जाना चाहते हैं, तो सरकार उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी का नाम तय करेगी, उसके नाम का ऐलान करेगी, फिर वो 1-2 दिन में आकर के यहां पर ज्वाइन करेंगे अगर रमित शर्मा नहीं आते हैं तो। लेकिन ये सवाल बरकरार है और जो सस्पेंस करना ही मुफीद रहेगा और ये सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि केंद्र जाएंगे या फिर प्रयागराज के पहले कमिश्नर कहलाएंगे रमित शर्मा, इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया मोहन तमाम जानकारी के लिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।